जैसे कि कल आप लोग जानते हो आपका फाइनल 10th सोशल का पेपर है और ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी पढ़ाई आप लोग ने करनी थी आप लोग कर चुके। अब कल 3 घंटे आपकी जंग है। अगर ये पेपर आपने सही से अटेम्प्ट कर लिया, उस 3 घंटे में आपने टाइम मैनेज अच्छे से कर लिया, तो आप कभी कंप्लेन नहीं करोगे क्या कि हमारे पास टाइम बहुत था, हमें आता बहुत था बट टाइम नहीं बचा तो हम लोग लिख नहीं पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि आपका पेपर कैसे आएगा और इस पेपर को आप किस तरीके से अटेम्प्ट, इस पेपर को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आपके इस बार सोशल के पेपर में 6 सेक्शन है। कैन यू बिलीव इट? Yes, you have 6 sections at your disposal. जो हमारा पहला सेक्शन है वो है सेक्शन A, जिसमें 1 mark के 20 questions आएंगे और ये 20 marks का होगा। अब इस सेक्शन में लोग बोलेंगे 20 questions है, 1 mark के हैं, 20 minutes में हो जाएंगे, 10 minutes में हो जाएंगे। No, please take care, क्योंकि यहां पर question match the column type के आएंगे, very short आएंगे, multiple choice आएंगे, fill up के time पे आएंगे और picture based भी आएंगे। यानी कि ये वो section है जो दिखता बहुत easy है लेकिन होता सबसे tricky है। अगर इन 20 marks के चक्कर में आपने गलती से भी अपना confidence lose कर दिया तो अपना आगे का entire paper बिगाड़ दोगे। इसलिए इस 20 मार्क के सेशन को मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप स्टार्टिंग में करो। इसको आप करो पर और आराम से आधा घंटा देकर करो और इस रिलैक्स माइंड से करो कि हमारा बाकी 60 मार्क का पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि यहां मैच द कॉलम है, आपको मैच करके ध्यान से आंसर मार्क करना है, ओएमआर शीट करनी है। बी का सी हो गया, सी का बी हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मैं कभी नहीं बोलूंगी ये 20 मार्क को आप फट 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 निपटाओ। नो, टेक योर टाइम, रिलैक्स। सही हुआ तो सीधे 1 shot में 1 number मिलेंगे, सिर्फ एक गोला लगाने के 1 number मिलेंगे। गलती से भी गलत गोला लग गया तो इसी 1 shot के आपके सीधे सीधे 1 number कट जाएंगे। सो इस सेक्शन को आप आराम से 30 मिनट्स, आधा घंटा रिलैक्स माइंड से सोच समझ के आंसर करके क्या करोगे, अपनी आंसर शीट में ए बी सी डी आंसर लिखोगे, बट बहुत ध्यान से। इसलिए और क्योंकि यहाँ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, फिलअप वाले भी आते हैं, तो कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये सेक्शन ऑफ द पेपर आपको क्या करता है, डरा देता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी आप अपना पेपर कभी भी इस सेक्शन से शुरू ना करो। रादर जब आपका पूरा पेपर रिलैक्स लेवल पर हो जाए फिर आप इस सेक्शन पे आओ और शुरू से ही माइंड में सेट करके चलो कि इस सेक्शन को आपको कम से कम 30 मिनट्स डिवोट करने हैं। इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो मैप से या फिर हमारे सेक्शन डी से, दैट इज जो थर्ड क्वेश्चन नंबर 30 से 33 तक आएगा। यहाँ पे आपको 120 वर्ड्स में आंसर लिखने और ऐसे आपको 4 questions आएंगे 5 mark के। अगेन इस क्वेश्चन को पूरा, इस सेक्शन को पूरा 30 मिनट दो, बिकॉज ये 4 questions आप हमेशा 7 से 10 मिनट लगा के करो, 7 से 10 मिनट लगा के हर एक क्वेश्चन करो, 5 points लिखो। ये क्वेश्चंस 5 mark के हैं और अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट इन 5 mark के चारों क्वेश्चंस में, 1 from history, 1 from civics, 1 from geography एंड 1 from economics, सब में आपको इंटरनल चॉइस आएगी। तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन का आंसर और में मेक अ चॉइस कि हमें कौन सा करना है और उसके बाद आप वो क्वेश्चन क्या करो चूज करो जिसका आंसर आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फेच यू 5 marks। सो आई कीप अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स एंड इवन इफ इट टेक्स 45 मिनट्स इट्स ओके, बट डू दिस सेक्शन वेरी वेल। क्योंकि यहाँ पर 2 फायदे हैं, एक ये 5 mark का एक क्वेश्चन है और दूसरा यहाँ हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, यानी कि जो आंसर आपको आता है उसको अपने बेस्ट तरीके से रखो, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो, सो दैट आपको कभी भी ये हो जिस टाइम पे भी आपका ये सेक्शन कंप्लीट होगा आपके दिमाग में एक बात का ये रहेगा, हाँ ये 20 marks मेरे पॉकेट के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद आप लोग आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस पे, दैट इज योर सेक्शन नहीं, जो 30 question number 34, 35, 36 होंगे। These 3 questions each of 4 marks would be split into 3 questions 1+1+2। तो ये जो एक एक मार्क के 2 questions है ये बहुत ही आसान होते हैं, इसके लिए बस आपको उस पैराग्राफ के अंदर बाहर का पता होना चाहिए। ये जो पैसेज आपको आएगा या ये जो केस स्टडी आएगा ये आपकी बुक का ही पार्ट होगा, तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक एक बार भी पढ़ी है तो आप उसके कंटेक्स्ट को अपने आंसर से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1 word या 1 line का आंसर लिखना है, इस 1 mark में भी आपको 1 word या 1 line का आंसर लिखना है। ये 2 mark का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, 2 से 3 line का आंसर या 5-6 line का आंसर, या इन शॉर्ट बोले अगर हम नंबर लाइन्स नहीं गिरे तो कोर, क्रक्स, क्रिस्प
दो पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके तीन केस बेस्ड क्वेश्चंस है, इसको आप आराम से 20 मिनट्स में निपटा सकते हो। 20 टू 25 मिनट्स अगर आप इसको दे दोगे तो आपका यहां पर अगेन 12 मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे, यानी कि इन द फर्स्ट स्टार्टिंग आवर ऑफ द पेपर 20 मार्क्स यहाँ के और 12 मार्क्स यहाँ के, 32 मार्क्स आप अपने पॉकेट में कर लोगे। और हो सकता है इसके बाद आप करोगे ये मैप, वाई मैप, क्योंकि मैप जो है आपका 2-5 मार्क का आ रहा है, 37A फ्रॉम हिस्ट्री, 37B फ्रॉम ज्योग्राफी। जो 37A है वो हिस्ट्री के 2 मार्क है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करा होगा तो हिस्ट्री का मैप आप कभी नहीं छोड़ के जाओगे, क्योंकि 5 से 10 मिनट की आज की प्रिपरेशन हिस्ट्री के मैप की आपको कल पूरे 2 मार्क दे देगी, और ज्योग्राफी का। तो इसीलिए ये हिस्ट्री के मैप्स हमको पता है, कांग्रेस के सेशंस आने वाले हैं, चौरी चौरा एंटीसीडेंस आने वाला है, गांधी जी के 3 मूवमेंट्स आने वाले हैं और दांडी मार्च आने वाली है। तो अगर ये 5-6 चीजें ही आने वाली है तो वाई नॉट वी प्रिपेयर इट सो वेल कि कल ये 2 मार्क्स स्ट्रेट अवे हमारे पॉकेट में, यानी कि इन द फर्स्ट आवर ऑफ योर पेपर 20+32+5 दीज मार्क्स शुड बी इन योर पॉकेट। अब बचा आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसके बाद आप अटेम्प्ट करोगे बेटा सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24। क्यों? बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत देर मेहनत कर चुके हो, अब आपका दिमाग थक गया होगा, इसलिए आप ये 40 वर्ड्स या 2 पॉइंट के आंसर्स अटेम्प्ट करोगे। इससे कुछ तकरीब 10 मिनट में अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका दिमाग रिलैक्स भी हो जाएगा, और आपको आता होगा तो आप लिखोगे, नहीं आता होगा तो आप छोड़ दोगे। सिमिलरली आफ्टर वी आर डन विथ 3-4 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स वुड कम ओवर टू सेक्शन सी, दैट इज 25, 26, 27, 28 एंड 29। इस सेक्शन को आप आराम से आधा पौना घंटा दे सकते हो, क्योंकि ये 3 मार्क के 5 क्वेश्चन है। आप अज्यूम कर लो मेरे को हर क्वेश्चन को कम से कम 5 से 8 मिनट देने, तो अगर हर क्वेश्चन को मुझे 5 मिनट देने हैं तो इट कम्स टू माई 15 मिनट्स, और 8 मिनट देने हैं तो दैट कम्स टू माई 24 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे में या आधे घंटे में ये सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अच्छी बात, अगेन सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन बी और सी में भी ये रहेगी कि आपको इसमें भी एक 4 में से 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, सेक्शन सी में भी आपको 4 में से 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। इसका मतलब ये है ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से करके क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे में आपका पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा एक्सेप्ट फॉर सेक्शन ए। अब आपके पास सेक्शन ए के लिए 2 नहीं पूरा 1 घंटा बचा है, इस 1 घंटे में से आप आधा घंटा या 20 से 30 मिनट आप अपने एमसीक्यूज को दोगे, इसको अच्छे से मार्क करोगे, और इसको अच्छे से मार्क करने के बाद आपके पास फिर आधा घंटा बचा है अपना पेपर शांति से फिर से चेक करने का। अपने सारे पॉइंट्स आपको सारे पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखने, यानी कि सारे आंसर्स आपको अपने पॉइंट्स में लिखने, और क्योंकि आप अपने सारे आंसर पॉइंट्स में लिखोगे तो आप चाहो तो अपने पॉइंट्स के अंदर अपने कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकते हो। फॉर सम रीजन अगर आपने कोई आंसर पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है तो उसमें भी आप अपने कीवर्ड्स और की पॉइंट्स क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि जब आप हाईलाइट करते हो तो एग्जामिनर वही रीड करता है जो आप उसे रीड करवाना चाह रहे हो, और आपको उस चीज के नंबर मिलते हैं। सो गाइज, अगर आप ये छोटी 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 बातें अपने कल के पेपर में ध्यान रखोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत स्ट्रैटेजिकली मैनेज होगा, और आपने जो मेहनत करी है वो आपको फुल फ्लेज्ड बहुत अच्छे कलर्स देगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमॉरोज एग्जाम।